हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो इज अ रिक्वेस्टेड वीडियो। आज की वीडियो के लिए मुझे काफ़ी दिन से मेरे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट आ रही है। आज मैं अपने रिएक्शन देने जा रही हूँ बाबरे कोक स्टूडियो सॉन्ग पे, जिसे गाया है शुजा हैदर एंड आयमा बेग ने, और इसके म्यूजिक डायरेक्टर भी शुजा हैदर ने है, और इस लिरिक्स भी उन्हीं ने लिखे हैं, एंड इसको प्रोड्यूस किया है स्ट्रेंस ने। So guys, I'm really excited to do my reaction on this video. You all are familiar with Shuja Heather's voice and Ayma Beg's voice. And मुझे personally Ayma Beg की आवाज़ जो है वो बहुत ही beautiful लगती है। So guys, हर video शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलती हूँ, do subscribe, like and share my channel. और आप मेरा दूसरा channel भी subscribe कर सकते हैं, वहाँ आपको मिलेंगे ढेर सारे reaction videos. उसका link आपको description में मिल जाएगा. And you all can send me your reaction request on my mail और इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि बाकी बातें हम लोग करेंगे बाद में। सीजन 10 भूली बिसरी चंद उम्मीदे चंद फसाने याद आए चंद फसाने याद आए तुम याद आए और तुम्हारे साथ जमाने याद आए Bye.
दिस वॉज बागरे सॉन्ग कोक स्टूडियो वर्जन. यू नो मैं एक चीज़ बोलूँगी, मुझे शुजा हैदर की जो वॉइस है वो काफ़ी यू नो उसका रिजेंबल मुझे लगा, रिजेंबलेंस पैपॉन की वॉइस से है जो कि इंडिया के काफ़ी फेमस सिंगर हैं. आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा उनके बारे में. तो मुझे दोनों की आवाज़ जो है वो काफ़ी सिमिलर लगी. एंड देन आई विल से आयमा बेग की वॉइस तो यू नो बहुत ही रियली यू नो बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारी आवाज़ है आयमा बेग की. और वो देखने में भी उतनी ही प्यारी हैं, उतनी प्रिटी है. उनका जो पूरा गेटअप था वो भी यू नो बहुत ही अच्छा था. पूरा वाइट उन्होंने गाउन पहना हुआ था एंड शी वॉज लुकिंग रियली स्टनिंग. एंड शुजा हैदर भी काफ़ी हैंडसम लग रहे थे. सो आई आई विल से उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों ने गाया है इस गाने को. और लिरिक्स भी काफ़ी शानदार थे गाने के. यू नो ये गाना ऐसा है कि आप यू नो व्हेन यू आर सिटिंग रिलैक्स तब आपको ऐसे गाने सुनने का दिल चाहता है. यू नो आई विल अगेन अप्रिशिएट द कोक स्टूडियो, जो बैकग्राउंड आर्टिस्ट होते हैं उनके यू नो मेहनत के बिना ये जितने भी सॉन्ग ये सब अधूरे रह जाएँ, क्योंकि उतनी ही उनकी भी मेहनत होती है पीछे यू नो. तो हम लोग ये कोक स्टूडियो के इतने वीडियो मैंने देखे हैं कि यू नो दे ऑल आर लाइक वेरी फेमिलियर फेसेस. तो आई विल से यू नो आउटस्टैंडिंग जॉब बाय दीज बैकग्राउंड आर्टिस्ट, बैकग्राउंड सिंगर्स जो होते हैं यू नो जो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं. कोक स्टूडियो की एक पहचान है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी. कोक स्टूडियो के सॉन्ग्स जो हैं वो उन्हीं को अच्छे लगेंगे जो म्यूज़िक से काफ़ी जुड़े हुए हों. सो कोक स्टूडियो इज ऑल अबाउट म्यूज़िक एंड प्रमोटिंग रियल टैलेंट एंड रिक्रिएटिंग ब्यूटिफुल सॉन्ग्स. अगर आपको मेरा आज का रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा हो देन डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव फ्यूचर नोटिफिकेशन. अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग रिएक्शन. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स. बाय बाय.